ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अंत का समय है, कई ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं। कर्मों का ज्ञान न होने के कारण न चाहते हुए हमारे निगेटिव विचार चलते हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और ये क्यों क्या करते करते उस व्यक्ति के लिए नफरत आती है, घृणा आती है, वैर निर्माण होता है, और एक दिन आएगा उसके ऊपर गुस्सा आएगा, और यही वर्तमान के दुखों का मूल कारण है। वर्तमान समय हमारे जीवन में जो दुख है, इस कर्म गति के ज्ञान की कमी के कारण आज दुख है, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। टाली के लिए कितना चाहिए? दो हाथ चाहिए। आज मेरे साथ कोई ऐसा वैसा कर रहे हैं, कोई उल्टा भी कभी किया था, क्योंकि संसार एक कर्म क्षेत्र है, और इस कर्म क्षेत्र का एक सिद्धांत है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। कोई कोई फलों के बीज अभी बो अभी मिल जाता है, कोई कोई बीज अभी बोएंगे तो कई समय के बाद, बहुत समय लगता है उसका फल मिलता है। तो कोई कोई कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कोई कोई कर्मों का फल बहुत देरी से मिलता है, और इस कर्मों की बातों को भूलने के कारण कभी कभी हम दुखी बन जाते हैं, अशांत बन जाते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगाते हैं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति का दोष नहीं है, दोष है तो मेरे ही कोई गलत कर्म। इसलिए कर्म सिद्धांत के गहराई को समझना बहुत जरूरी है। हमारे प्रकृति के साथ हिसाब है, हमारे मनुष्य आत्माओं के साथ भी हिसाब किताब है। प्रकृति ने हमें इस धरती पर जब से आए हैं, अभी भी लाश का जन्म है तो भी कितना दे रहे, हवा पानी दे रहे, इतना अच्छा भोजन दे रहे, इतना अच्छा शरीर दिया, किसी लिए दिया है शरीर? तो इस अंत समय में भी ये प्रकृति इतना अच्छा दे रहे हैं तो सत्ययुग में कितना अच्छा दिया होगा, कितना सुंदर शरीर दिया था, कितनी सुंदर प्रकृति दी थी, खाने पीने के साधन कितना अच्छा दिया था, किसी लिए? हमें प्रकृति का उपयोग करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे हमें आंखें दी थी अच्छिया देखने के लिए, कान दिया था अच्छा सुनने के लिए, मुख दिया था अच्छा बोलने के लिए, लेकिन हम देहाभिमान में आए, और देहाभिमान में आकर के गलत सुनना शुरू कर दिया, गलत देखना शुरू कर दिया, गलत बोलना शुरू कर दिया, इस प्रकृति का दुरुपयोग किया, जबकि प्रकृति ने हमें इतना अच्छा पालना की थी, सत्य उत्तरता, लेकिन दोपहर के बाद इस प्रकृति का दुरुपयोग शुरू किया। तो इसीलिए इस प्रकृति को लगता है मैंने इतना इसके ऊपर उपकार किया और मेरा इसने दुरुपयोग किया, मैं इसको दिखाऊंगी। विनाश को और चीज नहीं, विनाश अर्थात प्रकृति का गुस्सा, और प्रकृति गुस्सा उसके ऊपर निकालेगी जिन्होंने ज्यादा दुरुपयोग किया है। विनाश के समय उन आत्माओं को त्राही त्राही करेगी जिन्होंने प्रकृति का, इंद्रियों का दुरुपयोग किया है।